हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा। और आज का ये जो वीडियो रहेगा, इसमें हम लोग 7 से लेकर 15 नवंबर तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करेंगे। अपने पिछले वीडियोस में हम लोगों ने 6 नवंबर तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस कर लिया था, उससे आगे की चीज़ों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। द अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट LCC हैज एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ द AS राजीव MD एंड CEO ऑफ विच बैंक फॉर 6 मंथ टिल हिज सुपरएनुएशन। ठीक है ना, इसका मतलब ये हो जाएगा कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने किस बैंक के MD एंड CEO AS राजीव का कार्यकाल उनकी सेवानिवृत्ति तक, मतलब 6 महीने तक बढ़ाने का आदेश दिया हुआ है। ठीक है ना, तो कुल मिला के इसमें ये पूछा गया है कि AS राजीव जी का कार्यकाल 6 महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट के द्वारा। तो जो ये AS राजीव हैं, ये किस बैंक के MD एंड CEO हैं, ये इसमें पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर ए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। 6 महीने के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, ये चीज़ आप लोग याद रखना। दिसंबर 2018 से ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र के MD एंड CEO हैं, और इनके साथ साथ, यानी कि AS राजीव के साथ साथ अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट ने जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के MD एंड CEO MV राव, ठीक ना, इनका भी कार्यकाल जो है 31 जुलाई 2025 तक के लिए बढ़ा दिया। तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखना, 31 जुलाई 2025 तक एक कार्यकाल बढ़ाया गया है AS राजीव जी का, जो कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के MD एंड CEO हैं, इनका कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है। दूसरा कार्यकाल जो बढ़ाया गया है MV राव का बढ़ाया गया है, इनका कार्यकाल 31 जुलाई 2025 तक के लिए बढ़ाया गया है। और ये जो MV राव हैं, ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के MD एंड CEO हैं, ये चीज़ आप लोग याद रखना। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात हुई है, पुणे महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। वन फैमिली वन बैंक इसकी टैगलाइन हो जाएगी। इस्टेब्लिशमेंट ईयर 1935 हो जाएगा। AS राजीव इसके MD एंड CEO हैं। सेंट्रल बैंक की हम लोग बात करेंगे तो सेंट्रल टू यू सिंस 1911, ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर होगा। 1911 जो है ये इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बैंक ऑफ महाराष्ट्र इसका आंसर होगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हेडक्वार्टर टैगलाइन मैंने बता दिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बता दिया, बाकी ऑप्शन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा दिया गया है। तो इनके बारे में सारी चीज़ें आप लोग इसी टाइम पर रिकॉल करते हुए चलना। CCI हैज अप्रूव्ड द एक्विजिशन ऑफ हाउ मच परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग ऑफ भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बाई भारतीय लाइफ वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड फ्रॉम एक्सा इंडिया होल्डिंग्स, टेकिंग इट्स टोटल शेयर होल्डिंग इन BALIC 200%। ठीक है ना, BALIC मतलब भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ठीक, CCI ने भारतीय लाइफ वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एक्सा इंडिया होल्डिंग्स से भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की कितने प्रतिशत शेयरधारिता के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है, जिससे कि BALIC में इसकी कुल हिस्सेदारी बढ़कर जो है 100% की हो जाएगी। ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है, इसका जो आंसर हो जाएगा 49%, ऑप्शन नंबर सी। कौन अधिग्रहण करने जा रहा है, किसमें अधिग्रहण करने जा रहा है और किसका अधिग्रहण करने जा रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना। ठीक है ना, इस बात को ध्यान से समझ लेना, नहीं तो यहाँ पर भी आप लोगों को डाउट हो जाएगा। और क्वेश्चन मतलब अगर थोड़ा सा ट्रिकी किया गया, थोड़ा सा कुछ ऐसी फ्रेमिंग की गई, तो आप लोग गलत कर सकते हो। ठीक है ना, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की 49% की हिस्सेदारी, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की 49% की हिस्सेदारी भारतीय लाइफ वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा एक्सा इंडिया होल्डिंग से अधिग्रहित की जा रही है। ठीक है ना, और इस अधिग्रहण के हो जाने के बाद में इसकी जो हिस्सेदारी है वो बढ़कर 100% की हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी 49% इज द राइट आंसर। व्हिच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हैज रिसेंटली लॉन्च्ड गारंटीड एश्योर्ड इनकम गेन, ए न्यू गारंटीड इनकम प्लान फॉर द कस्टमर्स ऑफ कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। हाल ही में किस जीवन बीमा कंपनी ने कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक के ग्राहकों के लिए एक नई गारंटीकृत आय योजना गारंटीड एश्योर्ड इनकम यानी कि गेन लॉन्च की है। ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ठीक है, गेन का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो इसे ध्यान रखना आप लोग ने, गारंटीड एश्योर्ड इनकम। ठीक है, और इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस ने अभी हाल ही में कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक के कस्टमर्स के लिए एक न्यू गारंटीड इनकम प्लान गारंटीड एश्योर्ड इनकम नाम से लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, प्लान वगैरह के बारे में नहीं जानेंगे, वन लाइनर क्वेश्चन इसको करते हैं। व्हिच बैंक हैज रिसेंटली कोलैबोरेटेड विद द NPCI टू लॉन्च प्लेटिनम रुपे क्रेडिट कार्ड विद UPI इंटीग्रेशन।
हाल ही में किस बैंक ने यूपीआई इंटीग्रेशन के साथ प्लेटिनम रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ में सहयोग किया हुआ है, यानी कि कोलेबरेशन किया हुआ है? इंडसइंड बैंक, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इंडसइंड बैंक इसका आंसर हो जाएगा। एनपीसीआई के साथ कोलेबरेशन में इंडसइंड बैंक ने यूपीआई इंटीग्रेशन के साथ इंडसइंड बैंक प्लेटिनम रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया हुआ है, और इस यूपीआई इंटीग्रेशन की मदद से इंडसइंड बैंक के जो ग्राहक हैं वो यूपीआई इनेबल्ड ऐप की मदद से अपने क्रेडिट कार्ड को लिंक करके यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। तो इंडसइंड बैंक इज द राइट आंसर। ऑप्शन में जितनी भी बैंकें दी गई हैं, हेडक्वार्टर, टैगलाइन, एमडी एंड सीईओ, ये चीज़ें आप लोग रिकॉल करते हुए चलना इसी टाइम पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज दी डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट फॉर द टेन्योर ऑफ 5 ईयर्स। हाल ही में 5 साल के कार्यकाल के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के उप प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि गोवर्धन एस रावत और अजय कुमार सूद, इन दोनों लोगों को नाबार्ड का डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। अभी हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन दोनों को नाबार्ड का डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया हुआ है। गोवर्धन एस रावत का कार्यकाल इनकी ज्वाइनिंग से 5 सालों के लिए रहेगा, ठीक ना, जिस दिन से ज्वाइन करेंगे उस दिन से 5 सालों तक के लिए इनका कार्यकाल रहेगा। अजय कुमार सूद जी की अगर हम लोग बात करें तो अजय कुमार सूद का जो कार्यकाल है वो 31 अगस्त 2027 तक रहेगा, ठीक है ना, 31 अगस्त 2027 तक रहेगा। नाबार्ड के हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो मुंबई महाराष्ट्र में नाबार्ड का हेडक्वार्टर हो जाएगा। नाबार्ड का चेयरमैन कौन है ये आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, आप लोग ये बताना। 1982 में नाबार्ड का एस्टेब्लिशमेंट ईयर है, ठीक है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड डाटा बाय द एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया AMFI, व्हिच स्टेट इमर्ज्ड एज द लीडर इन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया ड्यूरिंग द जुलाई टू सेप्टेम्बर क्वार्टर फिस्कल ईयर ऑफ 2024, ठीक है ना। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार जुलाई से लेकर सितंबर तिमाही वित्त वर्ष 2024 का जो ये सेकंड क्वार्टर था, इस दौरान भारत ने म्यूचुअल फंड निवेश में कौन सा राज्य अग्रणी बनकर उभरा हुआ है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। इसका आंसर होगा महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर ए। और ये बात हो रही है जुलाई से लेकर सितंबर तक वाले क्वार्टर के लिए, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना। महाराष्ट्र इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। AMFI यानी कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया ने अभी हाल ही में कुछ डाटा रिलीज किया, और ये जो डाटा रिलीज किया गया है जुलाई से लेकर सितंबर के दौरान हुई चीज़ों का डाटा है, मतलब उसी के दौरान का ये डाटा है, ठीक है ना। और टू दी पॉइंट चीज़ों को समझते हैं, तो इस डाटा जो ये रिलीज किया गया था, इस डाटा के अनुसार म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के मामले में जुलाई से सितंबर तक के दौरान महाराष्ट्र टॉप पर रहा, इसके बाद में सेकंड नंबर पर गुजरात, फिर कर्नाटका का नंबर आता है। और उत्तर प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो उत्तर प्रदेश जो है वो 5th पोजीशन पर रहा, ठीक है। SIP यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की अगर हम लोग बात करें तो SIP के मामले में जो गुजरात है वो टॉप पर रहा, SIP के मामले में गुजरात टॉप पर रहा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। इन ऑर्डर टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड फाइनेंशियल लिटरेसी अक्रॉस इंडिया, व्हिच बैंक हैज रिसेंटली साइंड एन MOU विद द इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद IRMA इन द आनंद गुजरात। पूरे भारत में वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक ने हाल ही में आनंद गुजरात में इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल बैंक रूरल मैनेजमेंट आनंद के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, एक्सिस बैंक इसका आंसर होगा, ठीक है। एक्सिस बैंक जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक्सिस बैंक ने अभी हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद यानी कि IRMA जो कि गुजरात में स्थित है उसके साथ में एक MOU साइन किया हुआ है। और ये MOU क्यों साइन किया गया है, तो ये MOU जो है इसलिए साइन किया गया है, क्वेश्चन में ही बताया गया, इन ऑर्डर टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड फाइनेंशियल लिटरेसी अक्रॉस इंडिया, पूरे भारतवर्ष में फाइनेंशियल इंक्लूजन और फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ावा देने के लिए, को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। इस MOU के साइन हो जाने के बाद में एक्सिस बैंक IRMA कैंपस में एक एक्सिस बैंक चेयर फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन ये इस्टेब्लिश करेगी, और ये जो चेयर होगी इसका जो काम होगा फाइनेंशियल इंक्लूजन और फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में पूरे इंडिया को प्रमोट किया जाएगा करेगी, ठीक है। एक्सिस बैंक चेयर फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन 5 सालों के लिए गठित की गई है, ये चीज़ भी आप लोग याद करना, 5 सालों के लिए गठित की गई है, और इसका मुख्य काम इंडिया में फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देना, स्ट्रेटजी डिज़ाइन करना फिनेंशियल इंक्लूजन पर IRMA, फिनेंशियल इंक्लूजन पर IRMA में जो भी कोर्सेज वगैरह हैं उनको डिज़ाइन करना, उनको डिलीवर करना,
वर्कशॉप वगैरह इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना, कुल मिला के बढ़ावा देने के लिए, अवेयरनेस के लिए जो भी काम हो सकता है वो सारी चीज़ें किया जाएगा इसके तहत, ठीक है ना। बैंकिंग सेक्टर में फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग पर भी ये काम करेगी, ठीक है। तो ये कुछ इसके मतलब मुख्य काम है जो ये इंस्टीट्यूट जो है ये करेगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी एक्सिस बैंक इज द राइट आंसर। एक्सिस बैंक की अगर हम लोग हेडक्वार्टर की बात करेंगे, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, अमिताभ चौधरी इसके एमडी एंड सीईओ हो जाएंगे, बढ़ती का नाम जिंदगी ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। एक्सिस बैंक के बारे में मैंने बता दिया, कोटक महिंद्रा, एचडीएफसी और आईसीसी बैंक के बारे में आप लोग ये सारी चीज़ें जानोगे। आईआरएमए के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आनंद गुजरात में हो जाएगा, आनंद गुजरात में एक जगह है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें रही, जो भी चीज़ें यहाँ पर मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी थी सारी चीज़ें आप लोगों को बताई गई, हेडक्वार्टर वगैरह टैगलाइन वगैरह ये साथ ही साथ में पैरेलली आप लोग रिकॉल करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन सेफ्टी अवेयरनेस एंड सिक्योरिटी ऑन डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म, विच बॉलीवुड एक्टर हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर ऑफ द नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई। डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्मों पर सुरक्षा जागरूकता और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के यूपीआई सुरक्षा राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए हैं, पंकज त्रिपाठी ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, कालीन भैया, ठीक है ना। कालीन भैया से आप लोग इनको जल्दी से याद कर पाओगे, ठीक है। एनपीसीआई ने भी हाल ही में पंकज त्रिपाठी को यूपीसीआई सेफ्टी एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया हुआ है, ठीक है ना। और अब होगा क्या कि एम्बेसडर के यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर के रूप में पंकज त्रिपाठी जो हैं वो एनपीसीआई के विभिन्न विज्ञापनों में नजर आएंगे और विभिन्न विज्ञापनों की मदद से, विभिन्न एडवर्टीजमेंट की मदद से ये जो है सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने पर काम करेंगे, उसके बारे में लोगों को अवेयर करेंगे। ऑप्शन नंबर ए पंकज त्रिपाठी इज द राइट आंसर। इन ऑर्डर टू प्रमोट वुमेन लेड एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली साइंड एन एमओयू विद द दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन डे NRLM। भारत में महिला नेतृत्व वाले उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन ने हाल ही में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं, इसका जो आंसर होगा स्टेट बी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। महिलाओं के नेतृत्व वाले एंटरप्राइजेस को प्रमोट करने के लिए DNRLM और SIDBI ने 2 सालों के लिए एक MOU साइन किया हुआ है, ठीक है ना। 2 सालों के लिए एक MOU साइन किया हुआ है और ये जो DNRLM है ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर काम करता है। SIDBI की यहाँ पर बात हुई है, हेडक्वार्टर इसका जो है लखनऊ उत्तर प्रदेश में, इसका लखनऊ उत्तर प्रदेश में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। शिवा सुब्रमण्यन रमन जो है वो इसके एमडी एंड सीईओ हो जाएंगे, ठीक है ना। और ये एमओयू जो साइन किया गया, क्यों साइन किया गया, क्वेश्चन में ही बता दिया गया, इन ऑर्डर टू प्रमोट वुमेन लेड एंटरप्राइजेस इन इंडिया, महिलाओं के नेतृत्व वाले एंटरप्राइजेस को प्रमोट करने के लिए ये एमओयू साइन किया गया है। SIDBI का हेडक्वार्टर और चेयरमैन जो है इसके वो मैंने आपको बताया, CMD कौन है, बाकी नाबार्ड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में ये सारी चीज़ें आप लोग इसी टाइम पर रिकॉल करते हुए चलिएगा। विच ऑर्गेनाइजेशन अलॉन्ग विद ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस द नेशनल कैपिटल फंड, ए कंसेशनल फंड। ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी GEF के साथ किस संगठन ने मिलकर हाल ही में संयुक्त रूप से एक रियायती फंड नेचुरल कैपिटल फंड पेश किया, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एशियन डेवलपमेंट बैंक और ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी इन दोनों ने मिलकर ज्वाइंटली संयुक्त रूप से एक जो है नेचुरल कैपिटल फंड यानी कि NCF, नेचुरल कैपिटल फंड यानी कि NCF इंट्रोड्यूस किया हुआ है। और ये जो NCF है ये एक कंसेशनल फंड है जो कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के डेवलपिंग मेंबर कंट्रीज की परियोजनाओं को सपोर्ट करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी एशियन डेवलपमेंट बैंक इज द राइट आंसर। ऑप्शन में ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन दिए गए हैं इनका सबका हेडक्वार्टर आप लोग याद कर लीजिएगा इसी टाइम पर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली अप्रूव्ड ICICI बैंक्स रिक्वेस्ट टू मेक विच कंपनी इट्स होली ओन सब्सिडरी। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में ICICI बैंक के किस कंपनी को अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बनाने के अनुरोध को मंजूरी दी है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और ICICI सिक्योरिटीज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ICICI सिक्योरिटीज अब जो है वो ICICI बैंक की होली ओन्ड सब्सिडरी हो जाएगी यानी कि पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी हो जाएगी। 12 से 15 महीनों के अंदर ये एक्विजिशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और RBI ने यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ICICI बैंक के इस रिक्वेस्ट को अभी हाल ही में मंजूरी दे दी। ICICI बैंक ने RBI में एक रिक्वेस्ट डाली थी कि ICICI सिक्योरिटीज़ को अधिग्रहित करने जा रही है जिससे कि वो उसकी होली ओन सब्सिडरी हो जाए। तो RBI ने भी इसका अप्रूवल दे दिया है, अगले 12 से 15 महीनों के दौरान इसका एक्विजिशन हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इन ऑर्डर टू क्रिएट हाई क्वालिटी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर हाउ मच अमाउंट ऑफ पॉलिसी बेस्ड लोन एग्रीमेंट हैज रिसेंटली बीन साइंड बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द एशियन डेवलपमेंट बैंक। उच्च गुणवत्ता वाले शहरी बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए हाल ही में भारत सरकार और एशिया विकास बैंक के बीच कितनी राशि के नीति आधारित ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है $400 मिलियन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। $400 मिलियन ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है ना। लोन रिपेमेंट का जो पीरियड होगा वो 12 साल का होगा। 12 साल के अंतर्गत 12 साल के अंदर इस लोन को चुका देना है। ठीक है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच में भी हाल ही में $400 मिलियन के पॉलिसी बेस्ड लोन एग्रीमेंट का लोन एग्रीमेंट हुआ, जिससे कि हाई क्वालिटी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा सके, क्रिएट किया जा सके। ऑप्शन नंबर डी $400 मिलियन इज द राइट आंसर। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इस वीडियो का। विच बैंक हैज रिसेंटली साइंड ए पार्टनरशिप विद द इंडियन सेटलर प्रणय हसीना सुनील कुमार HS प्रणय फॉर ब्रांड प्रमोशन। हाल ही में किस बैंक ने ब्रांड प्रमोशन के लिए भारतीय सेटलर प्रणय हसीना सुनील कुमार के साथ में साझेदारी पर हस्ताक्षर किया है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है। फेडरल बैंक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर है फेडरल बैंक ने अभी हाल ही में इंडियन सेटलर प्रणय हसीना सुनील कुमार के साथ में जो है एक साझेदारी किया हुआ है, मतलब एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया हुआ है, जिससे कि ब्रांड प्रमोशन किया जा सके, अपनी ब्रांड को प्रमोट कर सके फेडरल बैंक। तो ऑप्शन नंबर है फेडरल बैंक इज द राइट आंसर। श्याम श्रीनिवासन ये इसके MD एंड CEO हो जाएंगे फेडरल बैंक के। अलुवा केरला में जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा फेडरल बैंक का। ठीक ना। योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। बाकी ICICI बैंक, HDFC बैंक और एक्सिस बैंक के बारे में सारी चीज़ें आप लोग इसी टाइम पर रिकॉल करती हुई चलिएगा। आज का वीडियो हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे। 15 नवंबर तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस को हम लोग यहाँ ने कंप्लीट कर लिया है। इससे अगले वीडियो में हम लोग 16 नवंबर से आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे, उससे आगे की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस मतलब हम लोग कवर करेंगे। साथ ही साथ में जो SBI CBO वाला बैच है उसमें RBI के सर्कुलर वगैरह एड ऑन हम लोग करते जा रहे हैं, तो आप लोग उसको भी देखते रहिएगा टाइम टाइम पर। चलो मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में।